तो दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। मौका है पूर्व सांसद महामल मिश्रा का आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना। आपको बता दें कि पूर्व सांसद महामल मिश्रा 1982 से देश की राजधानी दिल्ली में राजनीति का एक सक्रिय हिस्सा रहे हैं। वो निगम पार्षद से लेकर सांसद तक के पद पर रह चुके हैं और सियासी कद काफी बड़ा है। एक वरिष्ठ नेता का आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना अपने आप में मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए काफी है। आम आदमी पार्टी के मंच पर एक राजनीतिक बड़ी हलचल हुई। एक जमीनी नेता, कद्दावर नेता जिनको माना जाता है, दिल्ली की राजनीति की बुलंद आवाज महाबल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आखिर क्या वजह रही, इसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह का रिएक्शन है उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को शहरी जमीन पर काम करना व्यक्ति की पहचान अब नहीं देते हैं और कांग्रेस पार्टी 2.5 साल से कभी पूछा ही नहीं ये क्या काम है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को जो शहर जमीन पर काम करने व्यक्ति है उसको उपेक्षित करता है और आम आदमी पार्टी मुझे उपयोग के लिए बुलाया है तो जहाँ भी मुझे जो जिम्मेदारी देंगे हम निभाएंगे। आम आदमी पार्टी दामन थामने के पीछे क्या वजह मान लें कि आप कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में समझ रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में या बीजेपी के बारे में किसी पार्टी के बारे में नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर 24 घंटा जमीनी स्तर पर काम करता हूं, जनता के हित की काम करता हूं और मुझे 8 साल से जो केजरीवाल जी का जो आज आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा की पद्धति हो, जिसमें चेंज लाए हैं, जैसे गरीब जो है लोग बस में जाती हैं तो महिलाएं के लिए माफ़ किया है, गरीब को तीर्थ यात्रा कराते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ गरीब के लिए जो भी वो नीति बनाए हैं आज उसी मॉडल को कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों जब दूसरे जगह चुनाव लड़ते हैं हिमाचल में, वहाँ भी कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो पहले अब आज मॉडल अच्छा था केजरीवाल जी का, तब ना वो आम आदमी का मॉडल अच्छा था तब ना वो स्वीकार किया और तब ना कहा जो अच्छा स्कूल बनाएंगे। आज स्वास्थ्य का लाभ में बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिला। तो मैं समझता हूँ जिस स्तर का मैं राजनीति करता हूँ उस स्तर के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी बहुत फायदे का काम किया है। आज मैं एक बात कहता हूँ, बीजेपी वाला बड़ी मुझे दुख होता है जो बीजेपी वाला कहता है रेबड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल जी, लेकिन 11 लाख करोड़ अदानी का जो माफ किया है कर्जा, बड़े बड़े धन्ना सेठ का बिजनेसमैन जो कर्जा माफ करते हैं वो आम जनता का पैसा है, वो माफ किया तो असली रेबड़ी वो है या जनता को मदद करने की चीज को अब रेबड़ी कहेंगे? तो जनता को, गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को, आम आदमी के लिए यदि वो बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य सेवा फ्री, शिक्षा के पद्धति में ऊंचा किया या बस में हमारी बहनों के लिए किराया फ्री किया या तीर्थ यात्रा कराया तो ये रेवड़ी हो गया। तो बड़े बड़े लोगों का जो कर्जा माफ होते हैं लाखों करोड़ में, असली रेवड़ी वो है या रेवड़ी है? तो ये जनता के साथ मजाक किया, ये सही नहीं। इसलिए आम आदमी ज्वाइन किया जो उनको असली रेवड़ी कौन मारता है पता चल जाएगा इस बार चुनाव में। आखिरी सवाल रहेगा, संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या आम आदमी पार्टी के लिए आप स्टार प्रचारक के तौर पे कैंपेनिंग करेंगे? मैं क्या कहा, श्री अरविंद केजरीवाल जी मुझे जहां ड्यूटी लगाएंगे वहां पार्टी हित में जो भी काम है वो करूंगा। पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ महाबल मिश्रा का कहना है कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाएंगे, भले ही वो जिम्मेदारी कोई भी हो।